हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं। जब हम लोग लिखते हैं तो इन स्पेलिंग में अक्सर हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ आसान ट्रिक्स आपको इस तरह से बताई जाएंगी कि आप इन स्पेलिंग्स में कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला रूल हमारा ये है कि क्यू के बाद में हमेशा यू ही आएगा। ये रूल हमारा 99% काम करेगा। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्यू यू डबल ई एन क्वीन, और क्वेरल क्वाइट, क्वेश्चन क्वाइट, क्वेंच। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं ये क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यू के बाद में इन सब में क्या आ रहा है? यू। तो हमारा पहला रूल ये है कि जहां भी आप क्यू का यूज करते हैं, क्यू के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? यू। रूल नंबर टू हमारा ये है कि अगर किसी भी वर्ड में हम लोग फुल को ऐड करते हैं तो हमें क्या करना होगा? दो जो एल हैं उनमें से एक एल को रिमूव करना होगा, हटाना होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फैथफुल। तो फैथफुल में जो डबल एल है उनमें से हमने एक एल हटा दिया है। हार्मफुल, हार्मफुल में जो डबल एल थे उनमें से एक एल को हमने हटा दिया है। ट्रूथफुल, एफ यू डबल एल का जो डबल एल है उनमें से एक एल हट गया है। उसी प्रकार से चीयरफुल, तो एक एल हट गया और ये बन गया चीयरफुल। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी वर्ड में हम लोग फुल ऐड कर रहे हैं तो डबल एल जो है उनमें से एक एल को हमें हटाना है। रूल नंबर थ्री हमारा ये है कि अगर हम किसी भी वर्ड के साथ में फुल ऐड कर रहे हैं और वो जो वर्ड है वो एंड कर रहा है वाई के अंदर, तो उस वाई को हमें आई में कन्वर्ट कर देना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यूटीफुल। ड्यूटी जो है वो वाई से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाई है उसको हमने हटा दिया है और उसकी जगह कर दिया है ड्यूटीफुल। और पहले ही आपको पता है फुल में जो डबल एल है उसमें से एक एल को हमें हटाना है। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में वाई की जगह आ गया है आई और डबल एल की जगह हो गया है सिंगल एल। तो जहां पे भी हम लोग किसी वर्ड के एंड में वाई को पाते हैं और उसमें हमें फुल जोड़ना है तो वहां पे वाई को आई कर देंगे। रूल नंबर फोर हमारा ये है कि अगर कोई भी वर्ड डबल एल से एंड हो रहा हो और उसके अंदर हम किसी अन्य वर्ड को जोड़ते हैं तो हमें एक एल को हटाना होगा। जैसे वेलकम, वेलकम में डबल एल है तो हमने एक एल को हटा दिया है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट में डबल एल है उसमें से हमने एक एल को हटा दिया है। ऑल रेडी, तो ऑल का जो डबल एल है उसको हमने सिंगल कर दिया है। उसी प्रकार से फुलफिल, यहाँ पे दोनों स्पेलिंग्स में डबल एल है तो दोनों का एक एक एल है हमने हटा दिया है, ये बन गया है फुलफिल, एफ यू एल एफ आई एल। तो आप समझ गए होंगे इस रूल में हमें क्या करना है कि कोई भी वर्ड डबल एल से एंड हो रहा है और एक नया वर्ड उसमें जोड़ रहे हैं तो हमें एक एल को हटाना होगा। रूल नंबर फाइव है हमारा, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो है वो यू और वी से एंड नहीं होता है, और यू और वी अगर आ रहे हैं तो इनके बाद में ई का यूज किया जाएगा। जैसे ब्लू, क्लू, गिव, लिव, लीव, लव, ये जो वर्ड्स है आपने देख लिया इनमें यू और वी आ रहे हैं तो। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वो है यू। केवल यही ऐसा वर्ड है जो यू से एंड होता है, बाकी मोस्टली वर्ड यू और वी से एंड नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में एक नया वीडियो आएगा, उसमें इसी प्रकार के रूल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए अन्य टॉपिक को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।